श्रील प्रभुपाद कुंभ मेला में पंडाल में लेक्चर दे रहे थे, कथा कर रहे थे, और इसके अंतिम में एक वहाँ पर आर्य समाज के एक व्यक्ति आए, वहाँ पर आर्य समाज के व्यक्ति आके और बोलता है कि आप इतने हरे कृष्णा हरे रामा करते हो, इतना विश्वास है भगवान के ऊपर, तो पाकिस्तान में जाके क्यों नहीं प्रचार करते आप? यहाँ पे भारत में खूब प्रचार करते हो हरे कृष्णा हरे रामा, इंडिया में जहाँ पे विरोधी कंट्री है, जहाँ पे कोई बोल नहीं सकता, उस समय हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बहुत वार चल रहा था, बहुत कठिन था। अभी तो पाकिस्तान जाना ठीक है, फिर भी अभी भी नहीं जा सकते कोई प्रचार करने, बहुत आंटीला व्यक्ति सिर्फ जाता है। लेकिन वो आर्य समाज के जो व्यक्ति प्रभुपाद जी को उकसा रहे थे कि इसका नाश हो, कैसे भी पाकिस्तान में जाए इसका संस्था का, वो कुछ ना कुछ मुसलमान लोग इसको कर देंगे, तो इस उकसा रहे थे प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी को बोले कि आप जाके पाकिस्तान में जाके प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी कहले, आप हमको चैलेंज कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मैं पाकिस्तान में जाके प्रचार नहीं कर सकता? अभी मैं पत्र लिखता हूँ। और उसी समय प्रभुपाद जी ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को पत्र लिखे कि आप पाकिस्तान जाओ प्रचार करने के लिए। अब देखिए कैसा परिस्थिति है, प्रभुपाद जी के तो अद्भुत चरित्र था ही, उनका अद्भुत चरित्र है ही, लेकिन उनके शिष्य भी अद्भुत अद्भुत हैं, मतलब कोई जोर नहीं उनका। वैसे परिस्थिति में पता था एक विदेशी को कुछ आता नहीं हिंदी, यहाँ के मैनेजमेंट भारत के और पाकिस्तान में कैसा चल रहा है, एक पैसा भी नहीं उनके पास। देखिए उस समय पत्र लिखे और जैसे ही ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को पत्र मिला, उसी समय सुबह निकल गए पाकिस्तान के लिए। तभी प्रभुपाद जी को पता चला कि अभी तो वार चल रहा है पाकिस्तान में, हो सकता है शिष्य को कुछ नुकसान हो, तो फिर दूसरा पत्र लिखे ब्रह्मानंद स्वामी, अभी मत जाओ, उस बार जब शांत हो जाएगा कम से कम तब जाना। दुख की बात यह है कि बाद में जो पत्र लिखे प्रभुपाद जी, वो पत्र उनको मिला ही नहीं ब्रह्मानंद। तब तक ब्रह्मानंद स्वामी सुबह ही निकल गए थे, और वो भी फ्लाइट से नहीं गए थे, वो ऐसे ही जैसे लिफ्ट मांगते हैं, लिफ्ट ले लेके कहाँ कहाँ से वैसे पहुँच गए थे, कराची में पहुँच गए। और वहाँ पर ऐसा परिस्थिति था कि कोई मुसलमान अगर देखे तिलक लगाया हुआ, अगर धोती लगाया हुआ देखा, तो उसको उसी समय आके और थूक रख देते थे मुँह पर, और थूक से उसको तिलक मिटा देते हैं ऐसे, और मार भी देते थे कितने को, सब आदमी। तो बहुत गंभीर परिस्थिति था उस समय भी, ब्रह्मानंद स्वामी कराची में कैसे कैसे प्रचार कर रहे थे छुप छुप के, इतना भी अंदर दृढ़ निश्चय था उनको। और जब कर रहे थे तो उनको एकाएक डायरिया हो गया, ब्रह्मानंद स्वामी महाराज को डायरिया हो गया, तो वो कुछ उठ भी नहीं पा रहे थे, प्रचार भी नहीं कर पा रहे थे। तब भी कुछ दिन में वहाँ से पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर निकला, उस न्यूज़पेपर में चार लोगों को मौत हुआ है ऐसा भारत में आया। तो भारत में जब भी प्रभुपाद जी को रामेश्वर प्रभु अंदाज थे साथ में, तो वो न्यूज़पेपर लेके आए और प्रभुपाद जी को दिखाए, चार लोगों का मौत हो गया, उसमें नाम नहीं था। तो प्रभुपाद जी को इतना दुख लगा कि अब मेरा शिष्य मर गया, उनको बहुत दुख हो रहा था, और प्रभुपाद जी रोने लग गए कि मैं बेकार में उनको भेज दिया। कुछ दिन के बाद में ब्रह्मानंद स्वामी महाराज वहाँ से पत्र लिखे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत गंभीर परिस्थिति है, और मेरा भी वो डायरिया हो गया, पेट खराब है, क्या मैं आ जाऊँ इंडिया? जब भी ये पत्र मिला प्रभुपाद जी को, तो चार शब्द लिखे उसमें प्रभुपाद जी रिप्लाई में, चार शब्द केवल, आ जाओ जल्दी कैसे भी आ जाओ, आ जाओ लिख दिए ऊपर, और नीचे भक्तिविदान स्वामी, कि इतना बस चार शब्द लिख के और आ जाओ कैसे भी आ जाओ वहां से। जब ही ब्रह्मानंद स्वामी महाराज आए वहां से, तो प्रभुपाद जी उनको दौड़ के आलिंगन किए, आलिंगन करके तभी ब्रह्मानंद स्वामी जितना दुख भोगे थे पाकिस्तान में उस सब क्षण में भूल गए, और
क्या सोच रहे थे कि ऐसे अगर प्रभुपाद जी हमको प्रेम करे तो मैं ऐसे तो अनेक जीवन में इन पे न्यौछावर करने को तैयार हूँ, मेरा जान भी हाजिर है इनके ऊपर। तो प्रभुपाद जी की करुणा सिंधु, तो जैसे नारद मुनि यहाँ पर ध्रुव महाराज को बचाने के लिए कैसे आ गए ना, वो भटकते, ध्रुव महाराज अगर नहीं उनके सामने अगर नारद मुनि नहीं आते तो ध्रुव महाराज भटकते भटकते कहीं घूमते रहते, लेकिन गुरु कहाँ किसको क्या करना है वैसे उनको दृढ़ निश्चय देने के लिए, उनको संकल्प देने के लिए बहुत सारे तरीके से देते हैं।